नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और इसमें मैं पहुँचा हूँ जौनपुर में उस इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चों को देखे ताइक्वांडो की जो है शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ के बच्चों की अगर हम बात करें तो ये नोएडा ओपन जो है टूर्नामेंट, तो वहाँ पे इन्होंने जो है 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज 7 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर जीते हैं। तो ये देखिए किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम यहाँ चलेंगे, हम इन बच्चों से ही बात करेंगे। बच्चों एक मिनट के लिए ज़रा सा रुकिएगा, ये बताइए क्या नाम है आपका? प्रिया प्रकाश। प्रिया जी, आपको क्या मिला था? गोल्ड मेडल। कहाँ से जीता आपने गोल्ड? कहाँ पे प्रतियोगिता किया था, कहाँ पे खेली थी? नोएडा में। नोएडा में खेली थी। कब से सीख रही हैं आप ये ताइक्वांडो? पिछले साल से। तो कैसा लगता है आपको सीखने में? अच्छा लगता है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा रहेगा ना? यस। और भी बच्चे, हम यहाँ उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ और भी बच्चियाँ हैं जो कि गोल्ड जीती हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांका। दिव्यांका जी, आप कब से सीख रही हैं? हम क्लास टेन से सीख रहे हैं। कहाँ पे आपने प्रतिभाग किया, गोल्ड लिया आपने? सर नोएडा। नोएडा। यस। कैसा लगता है जब आप जाती हैं यहाँ से बाहर खेलने के लिए? सर बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो संसाधनों की कमी है, खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं मिलता, तो आप लोग को क्या लगता है अगर मौका मिले तो यहाँ के लोग भी ओलंपिक में जाके नाम? जी जरूर सर, और हम लोग तो इंडिया वाले तो जरूर जाने चाहिए। आपका क्या एम है? क्या ओलंपिक तक जाने का? देखिए इनका एम है। और भी बच्ची हैं, आपका क्या नाम है? सेजल मौर्य। सेजल जी, आपको क्या मिला था? हमको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ब्रॉन्ज जीता आपने। अगली बार क्या इरादा है, गोल्ड लेना है ना? यस सर। बिल्कुल। आप बताइए, आप नन्हे से हैं, आप 2 मेडल ली हैं, कहाँ कहाँ से? नोएडा। दोनों? यस सर। कैसा लगता है जब मेडल मिलता है तो? अच्छा लगता है। घर में मम्मी पापा भी खुश हो जाते होंगे ना? यस सर। तो गोल्ड लाना है? यस सर। बिल्कुल, देखिए गोल्ड लाने का पूरा इरादा है। आपका क्या नाम है? श्रेयांशी साहू। श्रेयांशी, ये बताओ बेटा, आप जाती हो जब बाहर खेलने के लिए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की आपको शिक्षा दी जाती है, कैसा ट्रेनिंग मिलता है, यहाँ माहौल कैसा रहता है, ट्रेनिंग आपको कैसे दी जाती है? अच्छा देते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं? यस सर। अच्छा, आप धूप में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती होगी, गोल्ड लाना है? यस सर। देखिए बच्चों में उत्साह है, गोल्ड लाने का मन है। यहाँ इनके जो कोच हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम अमन अग्रवाल है, मैं ताइक्वांडो कोच हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल का जो है प्लेयर भी रह चुका हूँ और नेशनल में मेरा मेडल है। और मैं यहाँ पर ताइक्वांडो सिखा रहा हूँ बच्चों को पिछले 5 सालों से। 2017 से मैंने ताइक्वांडो सिखाना शुरू किया, उसके बाद मेरा 2019 में सिलेक्शन हुआ, गोरखपुर में गया। वहाँ पर मेरे गुलशेर सिंह गिल जो है मेरे सीनियर कोच थे, उन्होंने मुझे ताइक्वांडो सिखाया। वहाँ पर मेरा ब्लैक बेल्ट का पूरी ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई। उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग कम्प्लीट करके आने के बाद कोरोना लग गया यहाँ पर। फिर भी कोरोना के काल में भी मैंने जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को दिया। देते देते जब जैसे ही कोरोना हटा यहाँ से, लॉकडाउन वगैरह सारे ख़त्म हुए, तो मैंने फिर से लग गया कि हाँ जौनपुर के सारे बच्चों को जो है ओलंपिक लेवल तक के लिए ट्रेनिंग देना मैंने यहाँ शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते ये रास्ता चलता गया, बच्चे मेरे से जुड़ते गए और इस समय मेरे पास जो है 500 बच्चे यहाँ पे ताइक्वांडो के लिए सीखते हैं। यहाँ पे मेरा 3-3 सेंटर चलता है, एक आर के साहू चलता है, आर के साहू स्कूल में चौकियाँ पे जो है, दूसरा सेंटर मेरा यहाँ सुदामा मेमोरियल, यहाँ पे मेरा मेन है, यहीं पे मैं ऑफिशियली गेम करा रहा हूँ पिछले 4 सालों से। और यहाँ के बाद मेरा एक और स्कूल है माँ कौशल्या कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर भी मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को। और पिछले काफ़ी समय से हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो DM सर हैं, उनकी वाइफ है, मैंने उनको भी और उनके बच्चों को मैंने वहाँ पे 3 to 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग मैंने वहाँ उनके आवास पे जाकर दिया है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे अभी तक कहाँ कहाँ पे खेले और कितना गोल्ड, कितना जो है ब्रॉन्ज और सिल्वर लेके आए हैं। जी, यहाँ पे मेरे बच्चे जो है सबसे पहला यहाँ पे जो गेम हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चंदवक में हुआ था। चंदवक में मेरे बच्चे 8 बच्चे गए थे, जहाँ पे 8 बच्चों ने मेडल निकाला था। वहाँ पे भी गोल्ड मेरे 3 बच्चों ने गोल्ड मारा था, 2 सिल्वर और जो है जितने बच्चे थे वो सारे ब्रॉन्ज मेडल निकाले थे। उसके बाद हम लोग जो है मिर्ज़ापुर के लिए गए थे। यहाँ पे जो बच्चे भी ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल निकाले उनको जो एक्सपीरियंस पूरा फुल्ली एक्सपीरियंस मिर्ज़ापुर से ही मिला। वहाँ पे मिर्ज़ापुर हम लोग गए, वहाँ पे 3 दिन का जो है पूरा गेम हुआ। वहाँ पे हम लोग रुके, पिछले साल ही 2021 में बच्चे गए थे मेरे, वहाँ पे भी जो है सही बच्चों ने गोल्ड तो नहीं निकाल पाया, लेकिन सिल्वर एक बच्ची जो भी गोल्ड लाई है उसने सिल्वर निकाला था और बाकी सभी मेरे बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल निकाला था। वहाँ पे 13 बच्चे गए थे, 13 बच्चों में से 7 बच्चों ने मेडल निकाला था। जैसे देखा जाए तो अपने जौनपुर में खिलाड़ियों को जो है वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण प्रतिभाएं दब के रह जाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या सरकार से डिमांड करेंगे? आप लोग चूँकि आप कोच हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तो क्या चाहेंगे आप सरकार से, सरकार की तरफ ध्यान दें क्या? बस मैं सरकार से और अपने
बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से पूरे यूपी के जो खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हम लोग के चयनित हुए हैं, वो इस समय कार्यभार पूरा संभाले हैं। तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चों को साथ साथ मुझे हम इस गेम को काफ़ी सपोर्ट करें ताकि मेरे बच्चे आगे जा पाएँ। जैसे कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जैसे जो दिव्यांग हैं, जो फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं है, तो मैं और स्कूल के प्रिंसिपल सर, पूरा स्कूल की संस्था उनको सपोर्ट करती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी, मंत्री जी भी आगे आ करके उन बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे ओलंपिक लेवल तक अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे भी एक दिन ओलंपिक में जाएंगे और गोल्ड लेकर आएंगे? जी, मेरा तो ये पूरा दृढ़ संकल्प है कि अपने जौनपुर से एक बच्चे को तो बहुत जल्द से जल्द, अभी ये 2024 में जो ओलंपिक लेवल पे गेम होने वाला है वहाँ पे मेरा दिली इच्छा है कि मेरे एक बच्चे जो है सेलेक्ट होकर के ट्रायल में वहाँ पे डायरेक्ट जो है गेम खेलें और वहाँ पे गोल्ड मेडल निकालें ओलंपिक पे। यहाँ बिल्कुल, तो देखिए ये कोच आनंद जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर अमन जी हैं जिन्होंने की बताया कि इनको पूरा विश्वास है कि इनके बच्चे जो है वो आने वाले समय में ओलंपिक में जाएंगे और गोल्ड लेकर आएंगे। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें भी इस बात को लेकर के उत्साह है और उन्हें भी पूरा दृढ़ संकल्प कर रखा है कि ओलंपिक में खेलना है और गोल्ड लेकर आना है। तो हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये लोग ऐसे ही अपने जनपद का नाम और अपने देश का नाम रोशन करें, और हम भी सरकार से चाहेंगे, खेल मंत्री से चाहेंगे कि इस तरफ ध्यान दें और बच्चों को सपोर्ट करें जिससे ये प्रतिभा को जो है सही मंच मिल सके।